असल सैटेलाइट जो है वो तो रब ने बनाई है, जिसको कहते हैं कि जो एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट, इसको कहते हैं सैटेलाइट। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो आगाज हुआ है, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजिकल बीमिंग स्टार्ट हुई है कि यहाँ की बात, मगरिब की बात, मशरिक, मशरिक की मगरिब, ये सारी बातों का आगाज जिसने किया है वो जैक पार्सन है, जिसकी वजह से ये हुआ। और उस शख्स ने जो अपनी टेस्टिमनी और अपनी बातों में जो उसने बातें लिखी हैं, वो इंसान को शॉक कर देती हैं, शॉक्ड। मुझे जब ये पता चला कि इस शख्स ने जो है जिक्र किया वह दज्जाल का अपनी टेस्टिमनी में, इतना क्लियर और इतना विविड कि इंसान जो होता है वो स्पेक्यूलेशन में चला जाता है। अब आप ये कहेंगे कि जी हम अपनी बातें ये खुद बनाते हैं, ये जी ये मुसलमान खुद लगे रहते हैं सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को बताने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता, वो तो काफिर क्या है, जो कफ का बद से बदतरीन काफिर हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद और उनकी जो सब्लाइम सुप्रीमेसी और उनका जो टोटल विनिंग इन ऑल सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर सबसे आगे, तमाम फलसफों को तोड़ के सबसे आगे जो सबसे उम्दा फलसफा पेश किया इस्लाम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उसका आप इनकार कर ही नहीं सकते। जिसको तकलीफ होती है होए, जिसको नहीं बर्दाश्त होता वो सुसाइड कर ले। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह अल हज में चैप्टर 22 वर्स 15 में कि नबी इनसे कह दें अगर इनको यकीन नहीं होता कि मौत है, रब की जात है या आखिरत है या आप अल्लाह के रसूल हैं, तो इनको कहें एक से रस्सा लें और जो ऊपर कहीं लटकाएं और अपनी गर्दनें उस पर और अपने आप को फांसी दे दें, और जब वो मर जाएंगे ना तो फिर उनको उसकी सारी हकीकत का उनको हम सामने पेश कर देंगे। देखिए अल्लाह की एक सुन्नत है, अल्लाह पाक हर चीज जो है दुनिया में, आप ये नहीं आपने कुछ किया तो अल्लाह फौरन आपको बताएंगे, अल्लाह मोहलत देते हैं, मोहलत। सूरह फातिर की आयात है आखिरी, अगर आप पढ़ें सूरह फातिर में अल्लाह पाक वाज़े फरमाते हैं कि ये क्या समझते हैं कि हम इनकी चीजों से जो है बाखबर नहीं है। अल्लाह पाक काफिरों के लास्ट वर्सेस अगर आप पढ़ें, जो सूरह फातिर लास्ट वर्स तो अल्लाह कहते हैं कि ये समझते हैं बाखबर हम हैं, लेकिन हम इन्हें मोहलत देते हैं, मोहलत, रिस्पाइट आफ्टर रिस्पाइट। क्योंकि अगर अल्लाह ताला फौरन ही सजा दे दें, इसी सूरत की आखिरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं, तो फिर कोई चीज बचेगी नहीं, कोई शय बचेगी नहीं, सांस लेगी नहीं। तो अल्लाह ताला का एक निजाम है, ये चैप्टर 35 वर्स 45 में पढ़ो सूरह फातिर की लास्ट वर्सेस, अगर आप सेकंड लास्ट पीछे जाए ना चार, ये पांच लास्ट वर्सेस पढ़ लें, चैप्टर 35 वर्स नंबर 40 से ऑनवर्ड्स पढ़ लें एंड तक, तो आपको पता चल जाएगा।